बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का घर छोड़कर जा रही हैं और वो अब अपने बच्चों के साथ राज कुंद्रा से अलग रहेंगी। इतना ही नहीं, इन रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया था कि अब शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के जायदाद से कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहती हैं और वो इस लायक बनना चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को बड़ा कर सके। ऐसा भी कहा जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी कई लोगों से और काम मांग रही हैं। इतना ही नहीं, इन रूमर्स में ये भी कहा गया कि शिल्पा शेट्टी अब राज कुंद्रा से जल्द डिवोर्स भी लेना चाहती हैं। लेकिन लगता है कि ये सारी खबरें गलत हो गई हैं, क्योंकि ये परिवार अब एक बार फिर रीयूनाइट हो गया है। जैसा कि हम सब कहते हैं, अंत भला तो सब भला। बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा 19 जुलाई 2021 को पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट किए गए थे। राज कुंद्रा की बेल मिलने के बाद राज कुंद्रा ने 50,000 का बॉन्ड साइन करके बेल पाया। 21 सितंबर 2021 को राज कुंद्रा को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद से उनके वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 2 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद राज कुंद्रा के अपीयरेंस में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। राज कुंद्रा का वजन काफी ज्यादा घट गया है। इन वीडियोस और फोटोज में देखा जा सकता है राज कुंद्रा को पुलिस कार में ले जा रही है। घर पहुंचने के बाद राज कुंद्रा का स्वागत शिल्पा शेट्टी, उनके बेटे वियान, बहन शमिता और माँ सुनंदा ने किया। राज के बेल मिलने के कुछ मिनट के बाद ही शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक पावरफुल कोट शेयर करते हुए एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ब्यूटीफुल थिंग्स कैन हैपन आफ्टर अ बैड स्टॉर्म। इसके बाद उन्होंने चाइनीज फिलोसफर कन्फ्यूशियस का एक पॉपुलर कोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। उन्होंने इस पिक्चर को कैप्शन देते हुए लिखा, There are always going to be moments that push you to the ground. In times like these, I truly believe that if you fall 7 times, make yourself strong enough to be able to stand back up 8 times. This rise will demand a lot of courage, grit, willpower and strength during some of your most difficult moments. But these qualities will only make you more resilient and robust in the journey called life. Every time that you rise back up, you will come back with renewed determination and motivation to make even the impossible possible. आपको बता दे, राज कुंद्रा के केस के दौरान कई बातें सामने आई थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से जुड़े अपने रिएक्शन दिए हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा था कि मीडिया उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वो चाहती हैं कि मीडिया उनके बारे में कुछ भी ना लिखे, क्योंकि वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती और राज कुंद्रा के केस के बारे में कोई इंटरव्यूज वगैरह भी नहीं देना चाहती। शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि उनके बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनका ख्याल रखते हुए मीडिया उनके बारे में कुछ भी गलत ना लिखे और फिलहाल वो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वेल, अब जब राज कुंद्रा घर वापस लौट आए हैं तो देखना ये होगा कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का रिलेशनशिप आगे किस तरह से होने वाला है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।